बस ही ना आप लोगों के बीच में वो बातें चली आ रही है। अच्छा, कहा जाता है कि मैंने वहाँ पर भी कई लोगों से पूछा तो वो लोगों का कहना है कि हजरत की सबसे बड़ी करामत ये है कि आपने उस शहर को उलट दिया था। जी हाँ, सही बात है। हम नहीं समझ पाए कि वो किस तरीके से उल्टा था। तो ये तस्बीह के दाने जो तुमने तोड़े, उसके बाद पूरा गांव उलट पलट हो गया और ये बुढ़िया ने आवाज़ सुन के पीछे पलट गई तो वो भी पत्थर हो गए। आज भी उनकी एक इमारत है ऐसी पत्थर। हम लोग दरबार पहुंच चुके हैं वजू के लिए। ये देखिए कि यहाँ पर एक कुआं है, कुएं से पानी निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हमें खूबसूरत मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश के ज़िला बैतूल की मुलतई तहसील में है। दरअसल हम एक ऐसे मकाम पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पट्टन के नाम से जाना जाता है, जिसे उल्टा पट्टन भी कहा जाता है। हम चलेंगे उस मकाम पर, वहाँ पर कहते हैं एक वली अल्लाह का मज़ार है। और एपिसोड में तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं पट्टन। पट्टन में जहाँ पर एक मज़ार मुबारक है वो दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ पट्टन। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार कहता हूँ, जो कई बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं पट्टन। पट्टन, पट्टन, उल्टा पट्टन, देखते हैं वहाँ पर किसका मज़ार है जो बहुत मशहूर है। चलकर हम आपको बताएंगे पट्टन से एक खूबसूरत रोज़े को दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। ज़मीर सुनना, ये देख, ये कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ दिख रही हैं ना, कितना प्यारा लोकेशन है यार। सॉन्ग याद आ रहा है, सुनाऊं क्या तेरे को? अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ, रिकॉर्ड कर दो। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से। देख, लग रहा है ना, एक एक चीज़ अपने ठिकाने से कैसे नज़र आ रही है। आसमान देख, बादल देख और ये खूबसूरत सा रास्ता देख। तो क्या बोल रहा था, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। बहुत मुश्किल है यार गाना। पता, ये फिल्म शायद इसका नाम जो था ना, फिल्म आप तो ऐसे ना थे, रफ़ी साहब ने भी गाया है इस गाने को, मनहर दास ने भी गाया है और आज रफ़ी साहब ने भी गा लिया। सुना ना रफ़ी साहब की आवाज़। चल बढ़ते हैं आगे। पट्टन तहसील, मुलतई, ज़िला बैतूल। ये देखिए तीन झंडे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, शहनशाह बराक वली कामिल हज़रत बाबा सैयद दरगाह मोहम्मद सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह, पट्टन शरीफ। आइए इस मकाम को उल्टा पट्टन भी कहा जाता है, वो भी हम क्लियर करेंगे कि आखिर इसे उल्टा पट्टन क्यों कहा जाता है। तो चलिए दरगाह की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत जगह, नागपुर से लगभग 120-125 किलोमीटर के फासले पर ये मकाम है, तहसील मुलतई, ज़िला बैतूल में। दरगाह शरीफ की तरफ हम चल रहे हैं।
हम लोग दरबार पहुंच चुके हैं वजू के लिए। ये देखिए कि यहाँ पर एक कुआं है, कुएं से पानी निकालेंगे। ये पुरानी तरकीब, प्लास्टिक की बकेट है। हमें इतना पानी मिल गया है कि इसमें वजू आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वजू बनाकर आपको ज़ियारत करवाते हैं इस रोज़े की। तो नाज़रीन, हम जैसा कि हमने आपको बताया कि हज़रत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह प्रभात पट्टन तहसील मुलतई ज़िला बैतूल में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको हमने हज़रत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दिखानी है। चलकर हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन को कहूँगा कि वो देखिए सामने दिखाए आपका रोज़े अक़दस। आपकी करामत के बारे में, आपके बारे में हम बात करेंगे लियाकत साहब से। उसके पहले यहाँ पर हमारे साथ इस दरगाह के खजांची, जिसे हम कहेंगे इरशाद साहब, इरशाद अली साहब मौजूद हैं। हमारे फ़ोन करने पर बड़ी दूर से हमारे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इरशाद भाई आपका, और खोज इंडिया में बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। तो क्या शुक्रिया साहब आपका, क्या जानते हैं आप इस दरगाह के हवाले से, बताइए कुछ। इस दरगाह का बहुत नाम करम है, आपके पूरे महाराष्ट्र से, MP से, राजस्थान से बहुत से जायरीन आते हैं, जिन जिनको इन बाबा की पता है कि इनकी क्या करामाते हैं। जैसे कि ये उल्टा पट्टन कहलाता है, यहाँ बर्तन भी कुछ उल्टे निकलते हैं अभी भी खुदाई में। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ये उल्टा पट्टन है। तो इसी तरीके से एक मकाम यूपी में इलाहाबाद के पास में एक जगह है झूंसी करके, वहाँ पर भी एक साहिब मज़ार हैं, उनके बारे में भी ये करामत मशहूर है कि उन्होंने झूंसी को पलट दिया था। तो क्या कुछ वैसा ही है यहाँ पर? यहाँ पे हजरत, ऐसे सुनने में आया है कि हजरत के बारे में, क्योंकि उनकी कोई सेवा करते थे, दो एक बुढ़िया थी और उनका एक खादिम बच्चा था शायद, वो उनकी सेवा करते थे और वो लकड़ी एवज में बेच के हजरत के लिए खाना ले आया करते थे, यानी खाना बनाने का सामान। और वो धीरे धीरे वो उसकी हालात कमज़ोर होती गई उस बच्चे की। लेकिन हजरत ने उससे देखा कि भाई इतना लाचार कमज़ोर क्यों हो जा रहा है। तो जब उसे वो गुसल करने ले गए तो उसके सर से पूरे बाल, यानी वजन के कारण लकड़ियाँ ला के ढोके बेचता। हाँ, तो हजरत फिर जलाल में आए और उस बुढ़िया को बोले कि तू अपने बेटे को लेके यहाँ से, शिव कहते हैं शायद पुराने लोग, मुझे तो आइडिया नहीं, शिव किसे कहते हैं, यानी गाँव की जो बंदिश रहती है शायद, उस बंदिश को वो हजरत ने बोले कि तू देखना मत, पीछे पलट के मत देखना। और हजरत जलाल में आए और अपना जो ये तस्बीह के दाने जो तो उनने तोड़े, उसके बाद पूरा गांव उलट पलट हो गया। और ये बुढ़िया ने आवाज़ सुन के पीछे पलट गई, तो वो भी पत्थर हो गई। आज भी उनकी एक इमारत है ऐसी पत्थर। अच्छा, ऐसा कहा जी। तो इस वजह से इस बुनियाद पर इसको उल्टा पट्टन गया। और आज भी बर्तन जब खुदाई के दौरान नीचे गहराई में जाया जाए तो बर्तन उल्टे लिखे, सारी चीज़ें जो भी मिलती हैं वो और मिलती है। तस्बीह के दाने भी मिला करते थे हजरत की। अब तो, तो ये वो साहिब मज़ार हैं जिनकी आप करामत दिखा रहे हैं जी। तो आपका उर्स वगैरह भी होता है? जी, उर्स होता है सर यहाँ पे दिसंबर के आखिरी जुमेरात को। अच्छा, अब ये जी, अब ये पुरानी परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, इसलिए हजरत का हमें वो पता नहीं है, इसलिए जो परंपरा पहले से आ रही है हम उसी पे आगे कायम रखते हैं उर्स। तो ये कितने सौ साल पुराना मज़ार है, ऐसा कुछ आपने बुजुर्गों से सुना है क्या? हजरत, हम तो यही देखा जा रहा है कि जो जितने भी बताते हैं कि ये मज़ार बहुत पुराना है, ये कमूमन कह नहीं सकते कि अपन तारीख नहीं बता सकता। तो ये लेकिन नई इमारत है, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, ये नई इमारत आपने कब बनवाई? नई इमारत हमने 2006 से यहाँ काम चालू किए और 2009 के बाद से हमने इस इमारत का काम, इस मकाम पर पहुँचे कि अब ये थोड़ी स्टेबल हुई है, यानी इतनी पूरी 100 तौर पे। इसके पहले जो यहाँ इमारत थी वो कैसी थी? खुला था एकदम, पूरा खुला था। हाँ था। जी, आपको ये मुलताई तहसील में है ये ब्लॉक? ये ब्लॉक अब तहसील खुद पट्टन हो गया है। अच्छा, तहसील पट्टन हो जी, मुलताई नहीं रहा जी।
प्रभात पट्टन के नाम से। प्रभात पट्टन, एक पट्टन महाराष्ट्र में भी जी। तो चलिए हमको ज़ियारत करवाइए आप जी। ये जदीद रोज़ा है, 2006 में इसका काम शुरू किया गया था। आप देखिए काफ़ी खूबसूरत और शानदार रोज़ा नज़र आता है। हज़रत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ये मज़ार जो अंदर का दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम। ये इसकी जो बुलंदी दिखाई देती है, पहले से ऐसी है कि आप लोगों ने थोड़ी सी हाइट बढ़ाई है? अच्छा, पहले भी काफ़ी हाइट थी। हाँ, पहले भी हाइट थी, जैसे मैं आपको भी दिखाता। ये देखिए, ये हज़रत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है पट्टन में। अच्छा, पहले ये देखिए, दिखा दीजिए। भाई के पास मोबाइल में पुरानी तस्वीर है, जब ये खुले आते में ये मज़ार हुआ करती थी। वाकई आपने बहुत खूबसूरत काम करवाया। यहाँ एक पेड़ को अंदर छोड़ दिया है आपने। पेड़ ये क्या है कि ये उसका पेड़ है, इसमें वाइट फूल आते क्या जी? चंपा, चंपा का पेड़ है। तो ये क्या पहले छाया में ऐसे रहते थे, तो इसलिए आपने इसको, अच्छी बात। ये चंपा का पेड़ है, इसको ये यहाँ पर चराग वगैरह जलाते हैं आप लोग? ये इधर कुछ महिला है आपके अपना। अच्छा अच्छा, तो हम इस मज़ार के हवाले से अन्य बाजू से भी डेवलप किए जी, फोटो जी। तो हम इस मज़ार के हवाले से, साहिब मज़ार के हवाले से लियाकत भाई से बात करेंगे। चलिए लियाकत भाई से बात करते हैं। अभी तक आपने दरगाह शरीफ की ज़ियारत की, लेकिन एक दिल है कि मान ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि इस दरबार के हवाले से कुछ और बात की जाए। तो उस बात करने के लिए हमें एक शख्स का पता मिला जिन्हें लियाकत साहब के नाम से जाना जाता है। उनके हवाले से जब हमने तफ्तीश की तो पता लगा कि वो इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं। तो नागपुर तो हमारा मुकामी शहर ही है। बहरहाल हम उस नागपुर में हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो हमारे साथ लियाकत भाई इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करेंगे लियाकत भाई से उस दरबार के हवाले से। इनका ताल्लुक शहर प्रभात पट्टन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खोज इंडिया में बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है जी। जी, आप उस दरबार से आपकी क्या नस्बत है? वो उस दरबार से हमारी ऐसी नस्बत है कि हम लोगों का आना जाना हर हफ्ते होता है जी वहाँ पर। आप लोगों का आना जाना होता है जी? हाँ। आप उस दरबार में कुछ सेक्रेटरी वगैरह भी? इसके पहले मैं महाकम में प्रेसिडेंट था। अच्छा, प्रेसिडेंट जी? हाँ, उस दरबार का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 15 साल। अच्छा, और उनकी खिदमत भी करते रहा, वहाँ आना जाना हम लोगों का रहा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कहा जाता है कि बहुत पुराना दरबार है। जी हाँ, ये बहुत पुराना है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा कि कितना पुराना है, बहुत पुराना है। और इनकी तफसीर बहुत आगे तक के, बहुत लंबी तफसीर है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें किसी किताब में मिलती हैं कि आप लोगों ने बस सुना है? बस ये किताब में, तो किताब में तो नहीं मिली हम लोगों को, पर हमने जो पुराने बुजुर्गों ने बताया है। अच्छा, उसके हिसाब से हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी है उस बात की। मतलब हजरत के हवाले से जो कुछ भी बातें हैं वो सब रिवायत की शक्ल में ही मौजूद? बेशक बेशक, रिवायत की सीना आप लोगों के बीच में वो बातें चली आ रही हैं। चली आ रही है। अच्छा, कहा जाता है कि मैंने वहाँ पर भी कई लोगों से पूछा, तो वो लोगों का कहना है कि हज़रत की सबसे बड़ी करामत ये है कि आपने उस शहर को उलट दिया था। जी हाँ, सही बात है। हम नहीं समझ पाए कि वो किस तरीके से उल्टा था, तो वो क्या आप बता पाएंगे? हाँ, उस तरीका यही है कि उनके खिदमत में एक बुज़ुर्ग था, वो वहाँ से पट्टन आता था खाना मंगने के लिए। तो खाना मंगने के बाद में वो ले जाके उनको भी खिलाता था, और खिलाने के बाद भी खुद भी खाता था। इसलिए वो बस्ती में आके मंग के ले जाके चलता रहा। उसके तरीके से क्या रहा, बहुत दिन तक हो गए, लोगों ने देने से फिर इनकार किया कि भाई इनको रोज़ का वही काम है, कहाँ तक देंगे। तो वो लड़के ने सर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आके बेचता था। बेचने के बाद में उसका गल्ला, एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया उस गल्ला को खरीदता था। खरीदने के बाद बुढ़िया अपने हाथ से, पुराने ज़माने में चक्की थी हाथ की, वो हाथ से पीस के रोटी बना के देती थी। तो बुढ़िया के लिए कुछ छोड़ता था, कुछ उनके लिए ले जाता था। ऐसा करते करते बहुत दिन तक चलते रहा। फिर क्या हुआ कि उस बाद में उस लड़के को बाबा ने बोले कि हमको इसका गुस्ल कराना है। तो उसका गुस्ल कराने के लिए जब बैठे तो सर में चांद दिखा। तो उनने ये बोले कि ये चांद काय का है, तो छुपा रहा था बात को, तो नहीं छुपा पाए। तो बोले ये मैं लकड़ी ले जाता हूँ, बेचता हूँ, उसके बाद में खरीद के अनाज लेता हूँ, बुढ़िया मेरे को पीस देती है,
फिर उसके बाद में खाना बना देती तो मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ऐसा करते करते हो गया, तो फिर बुज़ुर्ग ने बोले उस बुढ़िया को बोल दो कि इस शहर से बाहर हो जाए, पट्टन की हद के बाहर हो जाए। तो लड़का गया, उनको बोल दिया बुढ़िया को कि भाई बाबा का कहना है कि पट्टन के बाहर हो जाए। तो उस बीच में क्या हुआ कि वो बुढ़िया निकल तो गई घर से, पर उनने ये भी बोल दिया था कि इधर पीछे आवाज़ आएंगी तो पलट के मत देखना। तो वो क्या हो गया कि वो जो बॉर्डर के पार होने के पहले ही बुढ़िया ने जैसी इधर बढ़ से आवाज़ आई, पलट के देख ली तो वहीं पत्थर हो गई। अच्छा जी हाँ, बुढ़िया जो है पत्थर, आज भी पत्थर उसका मौजूद है बुढ़िया का। अच्छा, वो तो हमने देखा ही नहीं, हमने दिखाया भी नहीं। हाँ नहीं, मैं रहता हुआ तो आपको दिखाता। अच्छा, वो पत्थर आज भी जी आज भी वो पत्थर उसी बुढ़िया के इसमें मौजूद है। अच्छा, उसके बाद में फिर वो क्या हुआ कि ऐसे चलते रहा, फिर उसके बाद में पूरा पट्टन पलट गया, पूरा पट्टन, ये नहीं कि सामान पलटा, पूरा पट्टन पलट के गर्क हो गया, खत्म हो गया। फिर से ये दुनिया बसी वहाँ पर। अच्छा, फिर से वो आबादी। जी हाँ, आबादी जो है फिर से बसी है, और जो पुरानी इनकी जो मज़ार है वो हद के बाहर है। अच्छा, पट्टन की हद के बाहर है, अमूरी करके एक गांव है, उस गांव में है। तो ये कैसे, मतलब आज भी लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुदाई होती। नहीं, हमने भी देखा है। अच्छा, हमने खुद आंखों से देखा है कि आज जो भी अपने अंदर जो भी सामान निकलता है ना, तो वो पलटा हुआ निकलता है। जैसे मटका भी निकलेगा तो पहले ज़माने में मट्टी के बर्तन ज़्यादा थे, वो पलटा निकलेगा। जो सील पत्थर वगैरह जो पाटा पीसने का रहता है वो भी उल्टा, यानी हर चीज़ उल्टी निकलती है वहाँ। बड़ी दिलचस्प बातें आपने बताई, आज के साइंटिफिक दौर में इन सब बातों पर यकीन करना। और उसके बाद में मुश्किल होता है। बाद में क्या हुआ कि एक बाबा जो है शेरखा करके, शेरखा बाबू जहां आप किले पर गए थे, शेरखा बाबू का, जी हाँ मैंने देखा हूं, आपको भी बताया था कि शेरखा बाबू का किला है, और यहां एक जंजीर वाले बाबा करके एक बाजू में पट्टन में ही है। इनकी उनने फिर दावत भी की, तो दावत करने के बाद में क्या हुआ कि उनने कुत्ता और बिल्ली जुबा करके उसका मटन बनाए। किसने? ये अपने शेरखा बाबू ने। अच्छा, शेरखा बाबू ने दावत की है बाबा सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें कुत्ता और बिल्ली का मटन बना के यानी खाने के लिए यानी दस्तर पर निकाले। तो ये बाबा लोग गए, अभी इनको दावत मिली तो उनने ये बोले बाबा सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप भी बैठो खाना खाने। तो वो बोले कि नहीं नहीं, हम बर्तावा करते हैं, आप खाना खाइए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो नहीं बैठने से इनकार हुए, क्योंकि उनको मालूम था कुत्ता बिल्ली बनी है, तो वो इनकार हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तूने मेरे को अजमाइश के लिए बुलवाया था, दावत दिया था, देख बोले मेरी अजमाइश। तो अजमाइश में उन्होंने छिड़ कहे तो बिल्ली जिंदी होके निकल के चली गई। अच्छा, हाँ जी। उसमें हड़ी कहे तो कुत्ता निकल के चला गया, कुत्ता भी निकल गया। बोले यही अजमाइश थी ना तेरी, बोले देख मैंने मरे वाले को जिंदा करके पहुंचा दिया। देखिए, ये भी एक दिलचस्प करामत सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है गांव में रिवायत के तौर पे मौजूद है, किंवदंतियों के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि सारा शहर पट्टन इन करामत को बेशक जानता है। करामत तो ऐसी है साहब, आज भी वहाँ पर जो भी मुराद लेके जाता है इंसान, उसकी मुराद पूरी होती है। आज फैज मिलता है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पर उनको जो भी मुराद लेके गया उसको फैज मिलता है। आपने लियाकत भाई ने किस तरीके से इस मज़ार के हवाले से आपको बताया कि कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और कब से इस इलाके में आप आए थे, सारी जानकारी हमको लियाकत भाई ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपका कि आपने हमें दिलचस्प जानकारी दी, और आपकी कमेटी को ढेर सारी मुबारकबाद, आपने काफ़ी शानदार काम यहाँ पर किया है। ऐतिहासिक प्रभात पट्टन से हज़रत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अपने ख्यालात का इजहार यानी कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।